वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की पार्ट एक, ऊँट चला का वीडियो नंबर 4 हम करेंगे आज। तो वीडियो नंबर 4 में आज मैं आपको कुछ व्याकरण की चीज़ें सिखाऊंगी, ठीक है? व्याकरण क्या होता है बच्चों? जो हमें हिंदी को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है, ठीक है बच्चों? तो आज मैं वही आपको सिखाऊंगी, ठीक? तो चलते हैं आपकी हिंदी की वर्कबुक की तरफ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की वर्कबुक को खोलो और मेरे साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, ठीक है? बच्चों, आपको अपनी हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 8 निकालो, ठीक है? निकाल लिए सभी बच्चों ने? अब देखो पेज नंबर 8 पे सबसे पहले क्या लिखा है, भाषा एवं व्याकरण। तो आज हम क्या सीखेंगे? भाषा और व्याकरण सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस गोले में से वर्णों को छाट कर उनके उचित स्थान पर लिखो। तो ये जो गोले दे रखे हैं ना आपको, इस गोले के अंदर कई सारे वर्ण दे रखे हैं, अब आपको इनमें से वर्ण को छाट कर सही जगह पे लिखना है। तो बच्चों, इस गोले में आपको स्वर भी दे रखे हैं, व्यंजन भी दे रखे हैं और संयुक्त व्यंजन भी दे रखे हैं। तो हमने स्वर और व्यंजन पहले पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि इनमें से स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं। तो चले अब छाटना शुरू करते हैं। तो स्वर देखो इनमें से कौन कौन से हैं। पहला देखो क्या है, ए, दूसरा क्या है, ओ, तीसरा अ, चौथा री और पांचवा ई। तो ये सारी क्या है आपके, स्वर हैं, ठीक है? अब इनमें से व्यंजन कौन कौन से हैं, छाटे हम? तो चलो छाटते हैं अब। तो पहला क्या है, झ, फिर ट, फिर व, य, थ, श। ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। अब बच्चों, आपने संयुक्त व्यंजन तो पढ़ा नहीं है, तो आपको पता है संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो किन्हीं दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। समझ में आ गया आपको? अब इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ज्ञा, री, त्र, श, ठीक है? तो ये सारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है बच्चों? तो ये आपको काम इसको अपनी किताब में ही करना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये चंद्र बिंदु है इसको लगाकर 5 शब्द लिखने हैं आपको। तो बच्चों, मैंने ये 5 शब्द लिखे हैं, अगर आपको इनके अलावा कोई शब्द आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो पहले क्या है, आँख, गांव, ऊँट, पूँछ, यहाँ। तो ये सारे शब्द क्या है, चंद्र बिंदु लगा के हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है, बस से 5 शब्द लिखो। तो बच्चों, आप अपनी किताब खोलो हिंदी की, उसमें देखो पहला जो चैप्टर है ऊँट चला, उसके अंदर बा से कौन कौन से शब्द आए हैं, बालू, बोझ, बता, ये सब आए हैं ना। 2 शब्द तो और नहीं थे, तो मैंने अपने मन से लिखे हैं, बोतल और बत्तख। तो अगर आपको इनके अलावा बा से कोई और शब्द पता है तो आप इनकी जगह पे आप लिख सकते हो, ठीक है? अब आपके पास अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, लिंग बदलो और एक से अनेक करो। समझ में आया बच्चों? आपको पता है लिंग बदलो क्या होता है? लिंग बदलो होता है जैसे आप लड़का हो तो लड़के का अगर लिंग बदलेंगे तो क्या आएगा, लड़की। माता का अगर लिंग बदलेंगे तो क्या आएगा, पिता। मतलब जो लड़का है उसको लड़की में बदल देना है, जो लड़की है उसको लड़के में बदल देना है, ठीक है? फिर चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे जानवर हो, ठीक है, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको क्या करना है, इसमें लिंग बदलना है। अब जैसे हाथी, हथनी, हाथी क्या हो गया, लड़का हो गया, और हथनी क्या हो गई, उसकी लड़की हो गई, ठीक है? तो वैसे ही अब आपको यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ऊंट, तो ऊंट लड़के में आ गया, और अगर इसको हम बदलेंगे तो क्या किस में आ जाएगा, ऊंटनी, ऊंटनी क्या आ जाएगी, लड़की आ जाएगी, ठीक है? शेर, शेरनी, बाघ, बाघिन, हंस, हंसनी, ठीक है? आया समझ में आपको लिंग बदलो क्या होता है? अब हम चलते हैं एक से अनेक करो। एक से अनेक मतलब
कि एक में हम किस चीज को क्या बुलाते हैं और अनेक ढेर सारी चीजें हो जाती तब हम उसको क्या कहते हैं। अब जैसे एक बाजा है मेरे पास तो हम क्या बोलेंगे, बाजा। और अगर ढेर सारे बाजा आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बाजे। ठीक है। अब जैसे एक लड़का है तो एक लड़के पे हम क्या बोलेंगे, लड़का। और अगर ढेर सारे लड़का आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, लड़के। ठीक है। तैसे चूहा एक के लिए और चूहे ढेर सारे चूहे के लिए। ठीक है। खंबा एक के लिए और खंबे ढेर सारे खंबे के लिए। ठीक है। कमरा एक के लिए और कमरे ढेर सारे कमरे के लिए। समझ में आया। तो ये सारा काम आपको अपनी किताब में ही करना है। ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। अब पेज नंबर 9 पे आपका क्या दे रखा है, रचनात्मक लेखन। तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऊंट के चित्र के नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। तो आपको एक ऊंट दिख रहा है ना, अब इसके नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे पीठ, गर्दन, गद्देदार, पानी, रेगिस्तान। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे खाली स्थान दे रखे ना, उनमें इसको भरना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऊंट डैश में ज्यादा मिलते हैं, तो ऊंट कहाँ मिलते हैं बच्चों, रेगिस्तान में मिलते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रेगिस्तान लिखोगे। ऊंट बहुत दिनों तक डैश के बिना रह सकता है, तो रेगिस्तान में पानी तो बहुत, पानी की बहुत कमी है ना, तो ऊंट को बहुत दूर दूर तक जाना रहता है ना, इसीलिए ऊंट क्या करता है, पानी को एक ही बार में पीता है और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा कि ऊंट बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। ठीक है। अब ऊंट की डैश पर कुबड़ होता है। कुबड़ क्या होता है बच्चों, ये देखो पीठ ऐसे उठी हुई है ना, तो उसको कुबड़ कहते हैं। तो ऊंट की पीठ पर क्या है, कुबड़ होता है। ठीक है। ऊंट की डैश लंबी होती है। ऊंट की क्या लंबी होती है बच्चों, गर्दन लंबी होती है। ऊंट के पैर डैश होते हैं। ऊंट के पैर क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिससे वो रेत में आसानी से चल सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया ये वाली चीजें आपको, तो आपको जो खाली जगह है वहां पे शब्द भरने हैं आपको। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हाथी पर वाक्य बनाकर लिखो। तो बच्चों आपको हाथी के ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे सूंड, मोटे पैर, बड़े कान, गन्ना। तो आपको क्या करना है, इन शब्द को यूज करके आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहला शब्द क्या है, सूंड। तो आपको पता है हाथी की सूंड क्या होती है, लंबी होती है। तो पहला वाला वाक्य क्या होगा कि हाथी की सूंड लंबी होती है। ठीक है। अब दूसरा क्या शब्द दे रखा है आपको, मोटे पैर। तो बच्चों आपको पता है कि हाथी के मोटे पैर होते हैं, तो दूसरा वाक्य क्या बन गया, हाथी के मोटे पैर होते हैं। तीसरा शब्द क्या दे रखा है, बड़े कान। आपको पता है बच्चों हाथी के कान कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो आप क्या वाक्य बनाओगे, हाथी के बड़े कान होते हैं। ठीक है। अब आ गया चौथा शब्द, गन्ना। आपको पता है हाथी को गन्ना खाना बहुत पसंद है, तो आप क्या लिखोगे, हाथी को गन्ना खाना पसंद है। आ गया समझ में आप लोगों को। तो ऐसे ही आप ये वाक्य लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो समझो और लिखो। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको दो लाइन और लिखनी है ऊंट के ऊपर, जैसे ऊंट की गर्दन लंबी होती है, ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। ठीक है। या फिर ऊंट के पीठ पर कुबड़ होता है, कुछ भी आप लिख दो, कोई भी दो लाइन यहाँ पे लिखनी है, ये काम आपको खुद से करना है। ठीक है। तो साफ सुथरा काम करना और सैनिटाइज करते रहना, मास्क लगाते रहना और 2 गज की दूरी जरूरी रखना और अपने पेरेंट्स को भी बताना। ठीक है बच्चों। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।